कि वो कूड़ेदान का जो बर्तन है वो भी उसी घर का है, और जो आदर का बर्तन है जो स्वामी के मुंह से लगता है वो भी उसी घर का बर्तन है। तो परमेश्वर ने कहा कि लोग है तो मेरे विश्वासी, है तो मेरे बच्चे, है तो मेरे ही घर के बर्तन, पर कोई तो आदर का बर्तन है और कोई निरादर का बर्तन है। और लिखा, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, वे विचार से, पाप से, शरीर के कामों से, निंदा से, चुगली से, विश्वासघात, माता पिता की आज्ञाओं को ना मानना, ढीठ, घमंडी। आपके घर में है कौन से बर्तन और कौन से बर्तन भरने को कहा? अपोस्टल अंकुर यूसुफ रोला जी ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ जान से की मेरा विश्वास है आप सब जन्म मसीह में ब्लस्ट होंगे। शारमदास से चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपने अभी वचन में सुना कि परमेश्वर के दास के द्वारा में कहा गया है कि एग्जाम्पल के जरिए कि हर अगर घर में, जो कि हर एक घर है, हर एक घर में अलग अलग बर्तन होते हैं। कईयों के घर में मिट्टी के, कईयों के पित्तल के, सोने के, चांदी के अलग अलग बर्तन होते हैं। पर आप देखें, अगर तो अगर किसी का घर है तो वहाँ कूड़ेदान का भी यूज़ होता है, वहाँ खाने के बर्तन का भी यूज़ होता है। और अगर घर का कोई मालिक है, राजा है, तो वो जिस बर्तन से खाता है उस बर्तन में वो कूड़ा नहीं फेंकता। इसीलिए परमेश्वर के दास का कहने का मतलब है कि अगर आप बढ़िया बर्तन बनेंगे, अगर आप अच्छे बर्तन बनेंगे जिसे परमेश्वर आपको मुंह से लगाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आप चोरी छोड़कर, मकारी छोड़कर, लालच छोड़कर, व्यभिचार छोड़कर, चुगली छोड़कर, ऐसे गंदे कामों को छोड़कर अगर आप ब्लेस्ड जिंदगी जिएंगे ना, फिर परमेश्वर आपको आशीष देगा, फिर परमेश्वर आपको अपने मुँह से लगाएगा, अपने मुँह के जो परमेश्वर के वायदे हैं आपकी जिंदगी में परमेश्वर पूरे करेगा। इसलिए अच्छे बर्तन बने, वो बर्तन बने जिससे मालिक खाना खाता है, जिससे मालिक अपने मुंह में लगाता है, वो ना बने जिसमें वो कूड़ा डालने के लिए अपने घर में जिसे रखता है, जिसे वो गंदियां चीज़ें जो कि गंदगी फेंकने के लिए जिस बर्तन को वो अपने पास रखता है, ऐसे ही बर्तन ना बने, ब्लेस्ड बर्तन बने कि उसे देखकर लोग भी आपकी प्रशंसा करें। चोरी को छोड़े, उस हर एक गलत काम को छोड़े जो बाइबल के विरोध है, जिसे बाइबल हमें करने से मना करती है, क्योंकि बाइबल कहती है व्यभिचार न कर, चोरी न कर, किसी की चुगली न कर, अपने माता पिता का आदर कर। इसीलिए हमें कैसे बर्तन बनना है, हमें अच्छे बर्तन बनना, ब्लेस्ड बर्तन बनना है कि हम परमेश्वर से आशीष को ले, हम परमेश्वर के ब्लेसिंग को ले कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। और परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले बने, उसके पीछे चलने वाले बने, जैसे वो बोलते हैं वैसे करने वाले बने। हालेलुया, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आज अगर आप विशारमदास चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक आपने विशारमदास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।